सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पुट ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स और स्वैप्स काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इवन हमने ऑप्शंस के भी बेसिक समझे थे एक वीडियो के अंदर, फिर हमने कॉल ऑप्शन को लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझा था। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर देख लीजिए, लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम पुट ऑप्शन को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में मैंने एक बॉन्ड का एग्जांपल लिया था कि अगर आप कोई बॉन्ड या डिबेंचर खरीदते हैं किसी कंपनी का और उसके अंदर आपको पुट ऑप्शन मिलता है तो आप लेट से 5 साल बाद उस बॉन्ड को बेच के एग्जिट कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। तो अब ये स्टॉक्स में कैसे अप्लाई होता है या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में कैसे अप्लाई होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से आपके होते हैं, यही हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो पुट ऑप्शन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसको इंश्योरेंस की तरह समझिए। अगर आप किसी चीज की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, एक सेफ्टी नेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। सिमिलरली, अगर आप किसी अंडरलाइंग एसेट यानी कि स्टॉक्स या कोई भी और अंडरलाइंग एसेट की सेफ्टी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे इंश्योरेंस लेने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, सिमिलरली पुट ऑप्शन खरीदने के लिए भी आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आपको ध्यान होगा, हमने अपने लास्ट वीडियो में कॉल ऑप्शन की जब बात की थी तो हमने कहा था कि आप कॉल ऑप्शन को एडवांस की तरह समझ सकते हैं। कोई भी चीज लेने के लिए आप जैसे एडवांस देते हैं या रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन आपका एक प्राइस लॉक हो जाता है और एक डेट लॉक हो जाती है कि इस डेट पे आपको इस प्राइस में वो चीज मिल जाएगी। सिमिलरली पुट ऑप्शन को आप इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हैं। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी, उसके लिए एक इंश्योरेंस लिया। इंश्योरेंस लेंगे तो आप एक इंश्योरेंस अग्रीमेंट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ। वहां पे इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, IDV जिसे हम कहते हैं। तो गाड़ी की इंश्योर्ड वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट से 5 लाख है। 5 लाख का मतलब है कि गाड़ी अगर कंप्लीटली डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे देगी। प्रीमियम आपने कितना दिया यहां पे, लेट से आपने 15,000 रुपए का दिया और 1 साल की यहां पे आपने इंश्योरेंस ले ली। तो अब देखिए, दो सिनेरियो बनते हैं। पहले सिनेरियो में लेट से एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी की कंप्लीट डैमेज हो जाती है इस 1 साल के पीरियड के अंदर। तो यहां पे अगर आप उस गाड़ी को बेचने के लिए जाते हैं, पूरी डैमेज्ड गाड़ी है, तो आपको मुश्किल से लेट से 5,000 रुपए मिलेंगे और ये पैसे भी आपको जंक की फॉर्म में मिलेंगे, मतलब जंक कॉस्ट है। जितना भी आपका कबाड़ी में जाएगा वो सामान, उसकी आपको लेट से 50,000 वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपको ध्यान आता है कि मैंने तो एक इंश्योरेंस भी कराई थी। तो आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं, आप अपना ऑप्शन एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है, देखिए आप ये इंश्योरेंस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो यहां पे आपने अगर इंश्योरेंस क्लेम ले लिया तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं लेट से। तो यहां पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, अगर आप मार्केट में बेचने जाते 50,000 में और यहां पे आपने 5 लाख में दे दिया इंश्योरेंस क्लेम, आपको 5 लाख का मिल गया, तो आपको देखिए 4.5 लाख का फायदा हो गया। लेकिन आपने ये 15,000 का प्रीमियम भी दिया था तो आपको ये भी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आपको फायदा कितना हुआ, टोटल 4,35,000 का यहां पे फायदा हो गया। तो बस इसी तरीके से आपका पुट ऑप्शन भी काम करता है। लेकिन उससे पहले हम एक बार सिनेरियो 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। सिनेरियो 2 में क्या होगा, आपका लेट से 1 साल के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तो किसी तरीके का कोई ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है और लॉस मैक्सिमम आपका यहां पे कितना होता है, 15,000 का, जो आपने ये प्रीमियम दिया था। सिमिलरली पुट ऑप्शन भी इसी तरीके से इंश्योरेंस की तरह काम करता है। तो पुट ऑप्शन की अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन ऑप्शन राइटर। तो यहां पे ऑप्शन राइटर कौन हो गया इस अग्रीमेंट के अंदर, यहां पे हो गई आपकी इंश्योरेंस कंपनी जिसने आपको ये ऑप्शन सेल किया है। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑप्शन राइटर एंड ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर हो गया यहां पे कार ओनर जिसने ये ऑप्शन बाई किया है। दैट गिव्स द ऑप्शन बायर अ राइट टू सेल, नॉट ऑब्लिगेशन, अ स्टॉक और अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस बाई अ प्री स्पेसिफाइड डेट। तो यहां पे गौर करने वाली बात है राइट टू सेल, यहां पे ऑब्लिगेशन नहीं है। तो देखिए यहां पे आपको ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप ये इंश्योरेंस लीजिए, आपके पास एक ऑप्शन है, आप इंश्योरेंस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपकी यहां ऑब्लिगेशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको ये एग्जीक्यूट करना ही करना है कॉन्ट्रैक्ट, आपकी मर्जी है कि आप ये क्लेम लें या ना लें। अब मान लीजिए मार्केट प्राइस हो सकता है इसका ज्यादा हो तो हो सकता है आप इंश्योरेंस ना लें, ऐसा भी हो सकता है ये पूरी एक्सीडेंट में ना जाए गाड़ी, हो सकता है थोड़ी सी कम इंश्योरेंस में, मान लीजिए तो हल्का सा एक्सीडेंट होता है और आपको ज्यादा डैमेज नहीं होती है तो आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं क्लेम करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो
तो आपके पास ये राइट टू सेल है, ऑब्लिगेशन नहीं है। और यहां पे देखिए प्री डिटरमाइंड प्राइस, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका ये प्राइस फिक्स हो जाता है कि भाई इतनी आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है, इतने तक की इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और प्रीमियम यहां पे फिक्स हो गया है आपका, और प्री स्पेसिफाइड डेट, तो यहां पे आपका पीरियड भी फिक्स हो गया है कि एक साल के अंदर अंदर अगर डैमेज होती है तो आपको ये वाला क्लेम मिल जाएगा। बस इसी तरीके से आप पुट ऑप्शन को समझ सकते हैं, और सिमिलर तरीके से ही स्टॉक्स में भी काम करता है। स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जैसे कि ये जो हमने इंश्योर्ड वैल्यू की बात करी, तो फ्यूचर में जो भी प्राइस होगा वो पहले से ही डिक्लेयर किया गया है, तो उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जब हम स्टॉक का कोई पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो जो फ्यूचर का प्राइस डिसाइड हो रहा है उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। प्रीमियम आपका यहां पे भी प्रीमियम ही होता है, पीरियड मतलब एक्सपायरी डेट हो जाता है कि कितने साल के लिए या फिर कितने महीने के लिए वो ऑप्शन वैलिड है। और यहां पे ये जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है उस अंडरलाइंग एसेट का, उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। स्टॉक्स के लिए ये बेसिकली आपका करंट शेयर प्राइस होता है, तो शेयर का जो प्राइस है उस पर्टिकुलर दिन का, उसे हम कहेंगे स्पॉट प्राइस। चलिए अब हम स्टॉक्स के लिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। लेट से एबीसी एक लिमिटेड कंपनी है, तो उसका सिंबल हो गया एबीसी, एबीसी 28 Feb 100 PE। तो एबीसी तो आपका कंपनी का सिंबल हो गया, 28 February हो गया आपका डेट, एक्सपायरी डेट, और 100 हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस, और पीई का मतलब हो गया ये है पुट यूरोपियन ऑप्शन। पुट यूरोपियन का मतलब यह है कि यूरोपियन ऑप्शन में जो स्ट्राइक प्राइस होता है जिस दिन भी एग्जीक्यूट होना है, ये जैसे 28 February की आपकी एक्सपायरी डेट है, तो वो उसी पर्टिकुलर डे पे ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा। आपको ध्यान होगा हमने अपने लास्ट वीडियो में अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया था। अमेरिकन ऑप्शन में मान लीजिए अगर आप 30 January को ये ऑप्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आज की डेट में लेट से स्पॉट प्राइस 110 रुपए का शेयर प्राइस है, तो 28 February तक आप कभी भी उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूरोपियन ऑप्शन में आप सिर्फ जिस दिन की एक्सपायरी डेट है उसी दिन एग्जीक्यूट होता है, बस इतना ही फर्क होता है। और क्योंकि अब इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन ही होते हैं ज्यादातर, तो मैंने यहां पे यूरोपियन ऑप्शन का ही एग्जाम्पल लिया है। तो यहां पे एग्जाम्पल के अंदर हम 30 January को ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑप्शन, मतलब हमने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, खरीदा है ऑप्शन, और इसके लिए हमने लेट से प्रीमियम जो दिया है 30 January को वो 10 रुपए का दिया है। स्ट्राइक प्राइस लिया है हमने, ये एक महीने बाद की ऑप्शन ली है, 28 February को हमने स्ट्राइक प्राइस कहा है, हम 100 रुपए पे ये वाला स्टॉक बेचेंगे, सेल प्राइस है ये, यानी कि स्ट्राइक प्राइस यानी कि सेल प्राइस जो है 28 February का वो 100 रुपए रखा गया है। आपको ध्यान है ना मैंने कहा था कि राइट टू सेल है यहां पे, तो आपके पास राइट है कि आप इसे 100 रुपए में बेच सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अभी हम कह रहे हैं कि 110 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है 30 जनवरी को, जो आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 110 रुपए का चल रहा है। आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी यहां से, अब ये जो स्टॉक है यहां पे नीचे जाने का बहुत ज्यादा चांस है, तो ऐसे केस में आप अपना एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, आप अपनी सेफ्टी नेट बना रहे हैं। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, तो 10 रुपए का प्रीमियम कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा कि अगर बढ़ता है स्टॉक 110 से ज्यादा बढ़ता है तो आपका लॉस मैक्सिमम 10 रुपए का ही है, आपको कुछ नहीं देना है। जैसे इंश्योरेंस के अंदर आपने 15,000 रुपए दे दिए थे, तो यहां पे आपने 10 रुपए दे दिए, आपको अब उसके आगे कोई लॉस नहीं होगा, आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो अब 10 रुपए ही होगा। लेकिन अगर स्टॉक घटना शुरू हो जाता है, लेट से यहां पे 110 से पहले 100 आ जाता है और 100 से भी कम जाना शुरू हो जाता है, 100 तो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, और कम आना शुरू हो जाता है, लेट से 28 फरवरी तक ये 70 रुपए का ही आ जाता है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका ये फॉर्मूला, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस माइनस प्रीमियम। तो यहां पे आपका स्पॉट प्राइस हो गया 70 रुपए का, स्ट्राइक प्राइस हो गया 100 रुपए का, तो 100 माइनस आप 70 कर देंगे और प्रीमियम भी आप माइनस कर देंगे, तो आपका नेट नेट जो फायदा हुआ वो 20 रुपए का हो गया। अगर यहां पे स्पॉट प्राइस अगर हम किस दिन की बात कर रहे हैं, लेट से 28 फरवरी को हो जाता है 70 रुपए का, तो आपको इतना बेनिफिट हो जाता है। लेकिन अगर इस तरफ शेयर प्राइस अगर जाना शुरू हो जाता है तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, और लॉस मैक्सिमम कितना होगा, खाली 10 रुपए का होगा। तो आपको बस ये ग्राफ याद करके रखना है। चलिए अब मैं कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी आपको बता देता हूं। एट द मनी कहा जाता है जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर हो जाता है। तो यहां पे लेट से ये 110 से घट के 100 रुपए आ जाता है, 100 रुपए हमारा शेयर प्राइस आ जाता है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस भी 100 रुपए है, तब हम कहेंगे कि ये ऑप्शन एट द मनी है, कि स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बराबर हो गया है। तो यहां पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 10 रुपए का ही मैक्सिमम लॉस है, ये ग्राफ ध्यान रखिए आप। इन द मनी का क्या मतलब है,
कि स्ट्राइक प्राइस आपका स्पॉट प्राइस से ज्यादा हो गया, यानी कि स्पॉट प्राइस यानी कि शेयर प्राइस अब घटना शुरू हो गया है, आपका इस साइड आ गया है, तो स्ट्राइक प्राइस से जब इस साइड का जो सारा एरिया है वो आपका इन द मनी हो जाता है। और इन द मनी का मतलब है कि एक तरीके से आप प्रॉफिट की साइड बढ़ने लग गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि देखिए आपने ये प्रीमियम भी दिया है, ये वाला एरिया भी तो आपको कवर करना है, इस एरिया में तो आपको लॉस ही हो रहा है। तो यहां पे आपका प्रॉफिट क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस माइनस प्रीमियम। तो देखिए 70 रुपए का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, इन द मनी ही है यहां पे प्योरली, तो 100 माइनस 70 माइनस 10 आपका 20 रुपए का फायदा है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लीजिए यहां पे 95 रुपए का आ जाता है, तो यहां पे आपका प्रॉफिट कितना होगा, स्ट्राइक प्राइस आपका कितना हो गया 100 रुपए, वो तो हमारा फिक्स ही है कि 100 रुपए में आप इसको बेच सकते हैं। और ये 95 रुपए लेट से मैं कह रहा हूं आपको, अभी हमारा 28 फरवरी को आ जाता है स्पॉट प्राइस 95 रुपए, तो आप यहां पे एग्जीक्यूट कर देते हैं इस ऑप्शन को, तो ऑप्शन अगर आप यहां एग्जीक्यूट करते हैं तो स्पॉट प्राइस हो गया हमारा 95 माइनस 10 हमारा प्रीमियम हो गया, तो ये हमारा एक्चुअली लॉस हो गया यहां पे 5 रुपए का। तो इन द मनी ऑप्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि भाई अब आपको प्रॉफिट होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट आपका लॉस लिमिटेड है, क्योंकि देखिए ये प्रीमियम भी आपको कवर करना है, तो इस वाले पोर्शन में आप थोड़ा सा लॉस लिमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं होता यहां पे, प्रॉफिट आपको एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट के इधर होना शुरू होता है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कौन सा होता है, आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, कि आपका जो ये स्पॉट प्राइस है यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो इस तरफ जाना शुरू हो गया है, तब आपको लॉस हो रहा है। तो 100 रुपीज से अगर ज्यादा आपका प्राइस है स्टॉक का तो आपको लॉस ही होगा डेफिनेटली, और लॉस कितना होगा मैक्सिमम, वो आपका प्रीमियम होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम कर लिया है, आपने अपना लॉस जो है वो लिमिट कर लिया है यहां पे। और ब्रेक इवन पॉइंट हमने देख ही लिया यहां पे 90 रुपए का होगा, तो ब्रेक इवन का हम देख सकते हैं, ब्रेक इवन का मतलब है कि इससे नीचे जाएगा तब आपको फायदा होना शुरू होगा। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला सिंपल है, आप स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम घटा दीजिए, आपको ब्रेक इवन मिल जाता है पुट ऑप्शन के केस में, वहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो बस ये कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज और थोड़ी सी ध्यान रखनी है जब हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन में भी आपको ध्यान होगा, ये एट द मनी इन द मनी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां थोड़ा उल्टा होता है, तो आप कॉल ऑप्शन वाला मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एट द मनी इन द मनी आउट ऑफ द मनी कैसे होता है। तो चलिए आई थिंक मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन के सारे बेसिक्स तो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, अब हम देखते हैं कि हमें पुट ऑप्शन कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, किस तरीके के आपके बियरिश या बुलिश मोड होते हैं। तो देखिए आप पुट ऑप्शन कब खरीदेंगे, आप तब खरीदेंगे जब आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट या फिर जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो नीचे जाएगा, बियरिश का मतलब है कि वो नीचे जाएगा। तो 110 रुपए का जब आपने लेट से स्पॉट प्राइस था 30 जनवरी को, आपने सोचा कि बस अब ये नीचे जाएगा यहां से, तो इसीलिए आपने लेट से 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस कर लिया कि इससे भी और नीचे जाएगा तो कम से कम तब तो मुझे फायदा होना शुरू होगा। तो आपने क्या किया, अपनी एक तरीके की इंश्योरेंस खरीद ली कि इससे नीचे अगर जाता है तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपकी डाउनसाइड तो लिमिटेड है, आपको मैक्सिमम लॉस 10 ही रुपए का होगा जैसे हमने इंश्योरेंस के केस में देखा था, लेकिन आपकी अनलिमिटेड अपसाइड है कि 90 रुपए से नीचे जाता ही जाता है तो आपको गेन मैक्सिमम होना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टॉक प्राइस जीरो भी जा सकता है, तो जब तक जीरो जाएगा तब तक आपका गेन है, तो अनलिमिटेड अपसाइड है, लेकिन कब तक है, जब तक स्टॉक प्राइस जीरो जाता है। देखिए जीरो तो जाना बहुत ही मुश्किल है जब तक कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती, तो जितना भी मैक्सिमम यहां पे चल जाता है नीचे स्टॉक, तो आपको वहां पे फायदा होना शुरू हो जाता है। आप पुट ऑप्शन बेचते कब है, जब आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस यहां से बढ़ेगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूं, मैं बस खाली अपना प्रीमियम पे एक ऑप्शन बेच देना चाहता हूं। आपने ऑप्शन बेच दिया पुट ऑप्शन, आपको 10 रुपए मिल गए, आपको 10 रुपए पूरे फिक्स हो गए आपके, तो लेकिन अगर यहां से स्टॉक बढ़ता है तो यहां पे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन बाय चांस ये स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है तो ऐसे केस में आपको लॉस हो रहा है, बेसिकली आपको जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से आपका अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो शॉर्ट पुट में आप क्या कर रहे हैं, आपने ये अगर बेच दिया तो आपको खाली फायदा 10 रुपए का होगा। तो बेसिकली आप पुट ऑप्शन कब बेचते हैं, जब आपको लग रहा है कि बुलिश हो, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक प्राइस अब बढ़ेगा, लेकिन मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मैं बस अपना 10 रुपए हाथ के हाथ प्रॉफिट बना लेना चाहता हूं, तो आपने पुट ऑप्शन बेच दिया। तो यहां पे हमने देखा कि आपकी अपसाइड तो लिमिटेड है कि आपको 10 रुपए का ही मैक्सिमम फायदा है, अनलिमिटेड डाउनसाइड है, और अनलिमिटेड डाउनसाइड कब तक है, जब तक स्टॉक जीरो नहीं हो जाता। तो इस तरीके से आपके लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट होते हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन और देखते हैं,
मान लीजिए आप बुलिश हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। कॉल ऑप्शन वाला वीडियो आपको ध्यान होगा, एक तो आप लॉन्ग कॉल कर सकते हैं, मतलब आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, मतलब कि आपने लेट से 10 रुपए दिए यहां पे प्रीमियम के, और अगर स्टॉक प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है तो देखिए आपको अनलिमिटेड फायदा हो जाता है, ये पूरा गेन वाला पोर्शन है, लेकिन आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 10 रुपए ही है। और अगर बुलिश में हमने अभी देखा कि शॉर्ट पुट वाली भी एक आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मेरे को तो हाथ के हाथ 10 रुपए मिल जाए यहां पे और मेरे को तो उतना ही बेनिफिट बहुत है, तो यहां पे आपने 10 रुपए तो कमा लिए, लेकिन अगर वो घटता है तो यहां पे देखिए अगर स्टॉक घटता है तो आपकी डाउनसाइड तो लिमिटेड थी, यहां पे आपकी डाउनसाइड अनलिमिटेड है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं। अगर आप स्टॉक के लिए बेयरिश हैं, आपको लगता है कि भाई स्टॉक आने वाले टाइम में घटेगा, तो आप एक तो ये काम कर सकते हैं कि आप शॉर्ट कॉल कर सकते हैं कि भाई आप हाथ के हाथ 10 रुपए कमा लीजिए और अनलिमिटेड ये जो आपका वो है लॉस, ये अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको ये जो फायदा हो सकता था वो अब आपको नहीं होगा, आपने तो यहां पे अपने 10 रुपए कमा लिए। लेकिन बाय चांस अगर ये स्टॉक घटता है तो आपको जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं होगा, आपने यहां पे खाली अपना अपसाइड जो है वो लिमिटेड कर लिया है, क्योंकि आपको ये लगता है कि यहां पे स्टॉक घटने वाला है, आपको लग रहा है कि इस तरफ जाएगा स्टॉक, तो इसी वजह से आपने कहा कि भाई मेरे को तो खाली 10 रुपए कमाने, इससे ज्यादा नहीं कमाने, लेकिन आपको लगता है कि स्टॉक तो इस तरफ जाएगा, कम होगा और आप उससे ज्यादा फायदा कमाना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग पुट कर सकते हैं। आपने 10 रुपए का एक पुट ऑप्शन खरीदा तो आपका लॉस तो लिमिटेड हो गया, लेकिन अगर स्टॉक घटता चला जाता है 100 रुपए से यहां पे 90, 80, 70 होता चला जाता है, तो आपका अनलिमिटेड फायदा हो जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। तो जैसे आपने बुलिश के केस में देखा, आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप कॉल ऑप्शन खरीदिए, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना 10 रुपए में ये पुट ऑप्शन बेच के आप निकल जाइए। आपको लगता है भाई आप बेयरिश हैं, आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा, अगर आपको अनलिमिटेड खेलना है तो आप ये लॉन्ग पुट कर लीजिए, आप पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। आपको अगर लिमिटेड करना है कि भाई मेरे को 10 रुपए मिल जाए फटाफट, आपने बेचा और आपने अपना ये इमीडिएटली फायदा कमा लिया, तो इस तरीके की आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको पुट ऑप्शन का कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में डील करते हैं तो मैं आपको फिर से दोबारा वार्निंग दे दूं कि ये एक जीरो सम गेम है, जितने लोग फायदा कमाते हैं उतने ही लोग नुकसान भी खाते हैं, इसीलिए अगर आप ऑप्शंस में डील करना ही चाहते हैं तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद भी आप अपनी एक्सपर्टीज जरूर बढ़ाते रहिए, लेकिन ऑप्शंस आपको रिस्क कम करने के लिए काफी एक अच्छा टूल है, आप अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इनको इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।